क्या होगा अगर एमसीयू के नए मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग दी कंकरर और भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग दी कंकरर या भृगुवंशी परशुराम। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो भगवान परशुराम और कैंग दी कंकरर दोनों ही अपने सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें भगवान परशुराम की, तो परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे जिनका नाम पहले राम ही था, पर बाद में उन्हें भगवान शिव ने एक दिव्य कुल्हाड़ी दी जिसे परशु भी कहा जाता है, जिसके बाद उनका नाम राम से परशुराम पड़ा जिसका मतलब था कुल्हाड़ी और राम या कुल्हाड़ी के साथ राम। भगवान परशुराम चिरंजीवी यानी इमोर्टल हैं, जो कि रामायण के टाइम पर भी थे जब राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। महाभारत के टाइम पर वो भीष्म द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे और कलयुग के अंत में भी अपेयर होंगे जब भगवान विष्णु दसवीं और अंतिम बार पाप का नाश करने के लिए कल के रूप में अवतार लेंगे, जहाँ पर वो उनके गुरु बनकर उन्हें गाइड करेंगे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो उन सभी को मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर किया था। एक बार जब परशुराम भगवान शिव से मिलने जा रहे थे तो गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद परशुराम इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया और इस फाइट के दौरान परशुराम ने भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया और इसी के बाद भगवान गणेश का नाम एक दंत पड़ा। भगवान परशुराम ने कठोर घोर तपस्या करके हर उस वेपन को हासिल कर लिया था जो त्रिदेव के पास थी और इसी दौरान उन्हें एक कुल्हाड़ी यानी परशु भी मिला जो कि भगवान शिव का था। परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या और फाइटिंग टेक्निक महादेव से सीखी थी और उन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स को टेस्ट करने के लिए स्वयं महादेव को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया जो कि कई दिनों तक चला और उन्होंने एंड में भगवान शिव के माथे पर एक स्कार तक को क्रिएट कर दिया था जिसे भगवान शिव ने अपने शिष्य के शौर्य के रूप में स्वीकार किया और इस कट का निशान आज भी महादेव के माथे पर है। जिसके बाद भगवान परशुराम ने महादेव की गुरु दक्षिणा के रूप में लाखों महाशक्तिशाली पापी असुरों को कुछ ही घंटों में मार डाला। भगवान परशुराम ने कार्तिवीर अर्जुन की नौक्षोणी सेना को कुछ ही मिनटों और उसके 100 पुत्रों की सौक्षोणी सेना को कुछ ही घंटों में मार कर उन्हें हरा दिया था। और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि महाभारत के महाविनाशी युद्ध में कौरवों के पास सिर्फ 11 क्षोणी और पांडवों के पास सिर्फ 7 क्षोणी सेना थी। मतलब अगर उस फाइट में भगवान परशुराम भाग लेते तो ये युद्ध कई दिनों के बजाय कुछ ही घंटों या एक घंटे से भी कम टाइम में ही खत्म हो जाता और महाभारत के महाप्रतापी और महाशक्तिशाली कैरेक्टर्स परशुराम के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाते क्योंकि परशुराम उनके गुरु और उनके गुरुओं के भी गुरु थे जो कि ब्राह्मण होने के बावजूद एंशियंट हिस्ट्री के स्कैरियस्ट और सबसे खतरनाक योद्धा थे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार पूरी धरती को क्षत्रिय मुक्त करके उसे जीता था और इसी वजह से जब वो सीता माता के स्वयंवर में भी गए थे तो सभी राजा सिर्फ उन्हें देख कर ही सहम गए थे। भगवान परशुराम मन की गति से चल सकते थे, उनके पास हर टाइप के अस्त्र शस्त्र भी थे और वो हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक में एक्सपर्ट थे। भगवान परशुराम के पास परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स भी थी जो कि अपने तपोबल से पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो ये थी परशुराम की पावर्स और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं कैंग दी कंकरर की और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें कैंग की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका नाम नथानियल रिचर्ड्स है, जिसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद फ्यूचर में। तो कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें टाइमलाइन, टाइम ट्रैवल, मल्टीपल कैंग, कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। बात करें ओरिजिन की, तो नथानियल रिचर्ड्स 31st century में पैदा हुआ एक नॉर्मल लड़का है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिससे ये लगता है कि ये डॉक्टर डूम से रिलेटेड है और खुद कैंग को भी ये नहीं पता कि एक्चुअली उसके एंसेस्टर्स कौन है, जिसके बाद वो अपने पास्ट और रिचर्ड्स टाइटल पर रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता चलता है रीड रिचर्ड्स अर्थ 616, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने एंसेस्टर्स की एक टाइम मशीन भी मिलती है जिसके बाद वो टाइम ट्रेवल करता है और पहुंच जाता है एंशियंट इजिप्ट में, जिसके बाद वो अपने सवालों, पास्ट हिस्ट्री और रिसर्च को भूलकर वहां पर अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर करके वहां का एक फैरो बन जाता है जो कि वहां के लोगों के लिए गॉड की तरह था क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जानता था जिसे उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे और वो पास्ट के हर एक इवेंट,
टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सबको जानता था और वो वहाँ पर खुशी और शांति से रह रहा था। पर तभी फैंटास्टिक फोर की टीम वहाँ पर आ जाती है टाइमलाइन को सिक्योर करने के लिए। और क्योंकि नथानिएल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग द कॉन्करर भी नहीं बना है, फैंटास्टिक फोर उसे बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। जिसके बाद वो अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम 31st सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसकी टाइम मशीन उतनी भी परफेक्ट नहीं थी और वो बहुत ही पुरानी थी, इसलिए वो गलती से पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में जहां पर एवेंजर्स, डॉक्टर डोम और फैंटास्टिक फोर होते हैं, जहां पर वो डॉक्टर डोम के साथ मिलकर पूरी अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश करता है। पर यहां पर भी वो एवेंजर्स से बहुत ही बुरी तरह से हारता है और वो फिर से अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम 31st सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है। पर पता नहीं उसकी टाइम मशीन क्या ही है, वो इस बार पहुंच जाता है अपने टाइम से 1000 साल आगे 14th सेंचुरी में, जहां पर ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में वॉर चली हुई थी और पूरा प्लैनेट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। और क्योंकि ये मशीन उनके टाइम की नहीं थी और बहुत ही पुरानी थी, इसलिए वहां पर कोई भी इन्हें यूज करना नहीं जानता था। और क्योंकि नथानिएल टाइम ट्रैवल करके पास से आया था और ये मशीन उसी के टाइम की थी, इसलिए वो इन मशीन को यूज और कंट्रोल करना जानता था। जिसके बाद वो अपनी नॉलेज का यूज करके इस वॉर को रोकने की जगह इन मशीन का यूज करता है खुद को अपग्रेड करने के लिए, अपने लिए एक आर्मर बनाता है और उस टाइम की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है। जिसके बाद वो अपने लिए एक नई आइडेंटिटी चुनता है और नथानिएल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग द कॉन्करर। और इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है। जिसके बाद वो अपने फ्यूचर के एडवांस टैक और टाइम ट्रैवल का यूज करके उस टाइम की पूरी गैलेक्सी को ही कॉन्कर कर लेता है। और इसी टाइम ट्रैवल की वजह से कैंग के बहुत सारे वेरियंट्स और पूरी की पूरी कैंग काउंसिल भी है, जहाँ पर एक प्राइम कैंग जिसका मकसद है हर एक टाइम लाइन के हर एक यूनिवर्स को कॉन्कर करना। बात करें कैंग की पावर्स की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस टैक, वेपन्स और टाइम ट्रैवल पर। इसके अलावा कैंग जीनियस लेवल इंटेलिजेंट, एक स्किल टैक्टिशियन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर भी है, और उसका आर्मर उसे सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कैंग ने बैकअप प्लान के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर जैसे कैंग मरने वाला होता है उसका आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को इन क्लोन्स में शिफ्ट कर देता है, जो कि अलग अलग टाइमलाइंस की सेफ लोकेशन में सेफ होते हैं, और ये एबिलिटी कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स। और कैंग और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो कैंग बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस अटैक और वेपन्स पर, जबकि दूसरी तरफ भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य थे, जिनके पास बहुत सारी दैवी शक्तियां और अस्त्र भी थे। कैंग अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ भगवान परशुराम पर अटैक करेगा, पर भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और वो मन की गति से ट्रैवल भी कर सकते हैं, इसलिए कैंग के किसी भी खिलौने का लॉर्ड परशुराम पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि भगवान परशुराम के पास परशु, शिव, धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसी डेडली वेपन है जो कि एक ही सेकंड में कैंग और उसके आर्मर को एग्जिस्टेंस से भी इरेज कर सकती है। और वैसे भी जो एंटमैन 3 में एंटमैन से नहीं जीत पाया उसे तुम लॉर्ड परशुराम से क्या ही कंपेयर करोगे। इन दी एंड कैंग की पावर्स भगवान परशुराम के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए कैंग ना ही परशुराम को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है, जबकि भगवान परशुराम कैंग को मार भी सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं, इसलिए ये फाइट चाहे हजार बार ही क्यों ना हो लॉर्ड परशुराम इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होंगे, और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेंगे भगवान परशुराम ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट क्या हो, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बना लीजिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।